हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ सर्कल देखो बच्चों ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है नाइन्थ टेंथ हर समय आप लोग पढ़ोगे हर क्लास में ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है ठीक है सर्कल का मतलब आपको पता है गोल है ना सर्कल गोल उसको हम लोग बोलते हैं सामने में आपको एक सर्कल का सिंबल दिख रहा है हम लोग सर्कल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एक राउंड तो बना के उसमें डॉट करके दे देना मतलब ये सेंटर है उसके बीच का ठीक है यहाँ पर आप लोगों को ना मतलब मैं जो ये नोट्स बनाई हूँ ना कितना सारा आपको सर्कल देखने को मिलेगा बहुत सारे सर्कल्स देखने को मिलेंगे ठीक है और ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको पता है इसके बारे में बट स्टिल थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे हम लोग है कि नहीं अच्छा देखो बच्चों सर्कल हम लोग को पता है हम लोग ऐसे गोल करके बनाते हैं ठीक है हम लोग जब सर्कल बनाते हैं तो हम लोग इस टाइप से ऐसे गोल करके उसको बना देते हैं अच्छा अभी आपको पता है कि सर्कल के बीच का जो पॉइंट होता है जो बीच होता है उसको हम लोग सेंटर बोलते हैं सर्कल के बीच में सेंटर होता है ठीक है अभी सेंटर से आप कोई भी कोना में चले जाओ कोई भी कोना में जैसे यहाँ से आप यहाँ गए ये सेंटर से आप इधर गए ये सेंटर से आप इधर गए तो इसका नाम होता है बच्चों रेडियस ये भी रेडियस है सेंटर से इस कोने में गए ये भी रेडियस है अब मैं आर आर लिखूंगी ये भी रेडियस है यहाँ चले जाओ ये भी रेडियस यहाँ चले जाओ ये भी रेडियस तो बोलने का मतलब है सेंटर से आप सर्कल के कोई भी कोने में जाओगे तो सबका इक्वल डिस्टेंस रहता है अगर ये फ़ाइव सेंटीमीटर आएगा तो ये भी फाइव आएगा ये भी फाइव आएगा ये भी फाइव आएगा सब फाइव आएंगे ठीक है तो रेडियस हर जगह सेम होता है ठीक है तो यहाँ पर देखो मैं एक सर्कल बनाई हूँ और बीच का सेंटर को ओ दे दी हूँ और ना यहाँ पर यहाँ पर जैसे कि ये पॉइंट को डी दी हूँ ये ए है ये बी है ये सी है ओ से ए को जोड़ दी सेंटर से बी को जोड़ दी सी को जोड़ दी डी को जोड़ दी तो ये ओ ए रेडियस हो गया ओ बी रेडियस हो गया ओ सी रेडियस हो गया ओडी रेडियस हो गया ठीक है बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं बच्चों और सब रेडियस यहाँ पर इक्वल होंगे सबका लेंथ यहाँ पर इक्वल होगा अगर मैं रेडियस को लंबा कर दूँ बढ़ा दूँ ठीक है मतलब जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये यह सर्कल देख रहे हो अभी सिर्फ आप लोग ये ओ ए रेडियस इसको ये देखना ठीक यह है अब यहाँ से यहाँ ये रेडियस है अब ये जो लाइन आप लोग खींचे हो ना इसको ऐसे करके सीधा बढ़ा दो मतलब ये पूरा स्ट्रेट लाइन हो गया मतलब ये लाइन देखोगे तो सेंट ये सर्कल का दोनों कोना को जोड़ रहा है और साथ में सेंटर को टच करके जा रहा है ये मैं जो लाइन ड्रॉ करी हूँ ये सेंटर को टच करके जा रहा है और सर्कल का दो कोना को जोड़ रहा है तो बच्चों ये हो गया डायमीटर इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर वैसे ही मैं ओ को बढ़ा सकती हूँ ओ ये जो लाइन है देखो सी से ओ तक सेंटर को टच कर रहा है अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दी तो ये लाइन देखो ये लाइन सी जो है सी से निकला है ये लाइन ओ को क्रॉस करके यहाँ आ रहा है इसका नाम कुछ भी दे दे सकते हो ई दे दो चलो जो भी दे दो तो ये जो लंबा सा लाइन है सेंटर को ध्यान देना कि सेंटर को टच करके ये लाइन जा रहा है और सर्कल का दोनों कोना को जोड़ रहा है ऐसे तो इसका कोई कॉर्नर नहीं होता है लेकिन सरफेस सेंटर सर्कल का ना दो हिस्सा को ये जोड़ रहा है ठीक है वरना ऐसे सर्कल का कोई कॉर्नर नहीं होता ठीक है तो इसको हम डायमीटर बोलते हैं तो वैसे ही देखो यहाँ पर ये यह लंबा सा लाइन है सेंटर को टच करके जा रहा था और सर्कल का दो जगह को जोड़ रहा है टच कर रहा है तो बच्चों इसको हम डायमीटर बोलते हैं ये भी डायमीटर ये भी डायमीटर तो एक सर्कल में ना डायमीटर हर जगह का सेम होता है जैसे कि एक सर्कल है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह लाइन सेंटर को टच करता हुआ जा रहा है अगर ये टेन आएगा तो ये भी टेन आएगा ऐसे जोड़ेंगे तो ऐसे अगर हम डायमीटर देखेंगे तो ये भी टैन आएगा ये भी टेन आएगा तो ऐसे सब सेम आते हैं ठीक है और याद रखना इसे पीछे में देखी हूं कि यहीं पर लिख दी हूं चलो यहीं देख लेते हैं जो डायमीटर होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है दो गुना होता है ठीक है देखो यहां से यहां तक रेडियस था इसी को मैं आगे बढ़ा दी तो ये रेडियस रेडियस को दो गुना कर दी ट्वाइस कर दी तो क्या बन गया डायमीटर बन गया तो हम लोग उसका फार्मूला लिखते हैं डायमीटर का टू इंटू रेडियस रेडियस का ट्वाइस है वो टू इंटू रेडियस है और रेडियस का फार्मूला अगर मैं यहाँ से निकालूंगी तो डायमीटर डिवाइडेड बाय टू डायमीटर डिवाइडेड बाय टू आएगा ठीक है फॉर्मूला आप लोग याद रखना ये तो आप लोग पढ़े होगे तो आप लोगों को याद भी होगा अब हम लोग बात करते हैं कॉर्ड का देखो बच्चों कॉर्ड क्या होता है कॉर्ड ना जैसे देखोगे तो डायमीटर जैसा ही होता है एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि सर्कल के दो पॉइंट को जोड़ता हुआ जाता है मतलब सर्कल के अंदर में देखो वो दो पॉइंट को जोड़ है जैसे कि यहाँ पर मैं ए बी लाइन खींची तो वो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पॉइंट को ये लाइन जोड़ रहा है ये सी डी लाइन को देखो ये लाइन ऐसे है ये यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट मतलब सर्कल के दो पॉइंट को टच करता हुआ वो जा रहा है मतलब इस टाइप से अंदर से ये ई एफ ये तो डायमीटर है सेंटर को क्रॉस करके जा रहा है ये डायमीटर है तो डायमीटर सबसे लंबा कॉर्ड होता है तो डायमीटर भी कॉर्ड ही है ठीक है ना और वो सबसे लंबा कॉर्ड होता है एक सर्कल का क्लियर अभी हम लोग बात करेंगे आर्क ऑफ अ सर्कल तो बच्चों देखो ये सर्कल हो गया ठीक है ये सेंटर हो गया अब सपोज मैं ये पॉइंट का नाम दे दी दिए यहाँ पर ये पॉइंट का नाम दे दी बी और ये पॉइंट का नाम दे दी सी तो आपको ये ए बी सी का ये दिख रहा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ये आर्क हो गया यहाँ से वैसे ये आर्क हो गया तो आर्क से भरा हुआ रहता है सर्कल जो होता है उसमें बहुत सारे आर्क होते हैं ठीक है ठीके? आर्क का सिंबल ये होता है तो यहाँ पर मैं ए बी सी अगर आर्क करके रिप्रेजेंट करूँगी तो ऐसे लिखूँगी क्लियर फिर हम लोग बात करते हैं सरकम्फेरेंस ऑफ अ सर्कल जैसे कि आप लोग पैरीमीटर पढ़े हो ना जैसे कि अगर मैं रेक्टेंगल का बात करूंगी तो रेक्टेंगल का पैरीमीटर का मतलब क्या उसके टोटल बाउंड्री को प्लस करना है टोटल जिसका जितना भी इसका जो साइड साइड दिया है ना सबको हम लोग प्लस करते हैं उसको बोलते हैं पैरीमीटर लेकिन यहाँ तो ऐसे कोई साइड उसका है नहीं सर्कल का तो बच्चों ये ये जो टोटल आपको दिख रहा है जैसे यहाँ से मैं स्टार्ट करी ये एक टाइप का पैरीमीटर ही होता है सर्कल एक टाइप का सॉरी सरकुफेरेंस एक टाइप का पैरामीटर ही होता है ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी सरकुम्फरेंस ऑफ अ सर्कल का तो दैट मीन्स टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल सर्कल का ये जो बाउंड्री है इसका टोटल लेंथ को हम लोग बोलते हैं सरकुम्फेरेंस और इसका फार्मूला होता है बच्चों फार्मूला आपको सामने में दिख रहा है टू इंटू पाई इंटू आर टू इंटू पाई इंटू आर पाए क्या होता है पता है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पाई का वैल्यू होता है ट्वेंटी टू बाई सेवन एक नंबर है कांस्टेंट होता है पॉइंट में भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं पर आप लोग इसका वैल्यू को याद रखना तो अगर आप टू इंटू पाई इंटू रेडियस करोगे आर यहां पर रेडियस है तो उसका वैल्यू जो भी आएगा वो हो जाएगा ऑफ़ अ सर्कल क्लियर अभी अभी हम लोग बात करते हैं सेमी सर्कल का सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा सर्कल हाफ सर्कल जैसे कि हम लोग एक गोल रोटी बनाते हैं आधा रोटी कर देंगे तो हाफ हो जाएगा वैसे ही बच्चों पूरा सर्कल का जो हाफ होता है उसको हम लोग बोलेंगे सेमी सर्कल तो सेमी सर्कल में भी आप लोगों को सेंटर दिखेगा आप लोगों को रेडियस दिखेगा ठीक है जैसे कि ये अगर पूरा सर्कल था ऐसे करके ये सेंटर था सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा ये सर्कल का आधा ये ठीक है या फिर ये सर्कल ले लो या फिर अगर मैं इसको ऐसे काटूँगी तो ये हो गया सेमी सर्कल ये ठीक है और ये भी हो गया सेमी सर्कल तो कैसे भी आप लोग ले सकते हो अगर मैं इस इस पोर्शन को खाली लूँगी तो देखो सेंटर है ये भी यहाँ से यहाँ तक रेडियस ये भी यहाँ से यहाँ तक रेडियस तो रेडियस तो रहेंगे डेफिनेटली रहेंगे और पूरा रेडियस को अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे पूरा लाइन को तो वो डायमीटर हो गया ठीक है और अगर मैं बात करूंगी सरकुम्फेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल का क्योंकि इसका भी तो सरकुम्फेरेंस निकल सकता है ना इसका भी जो बाउंड्री है उसका लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं तो सरकुम्फेरेंस का फॉर्मूला होता है इसका जैसे कि नॉर्मल सरकुम्फेरेंस का फार्मूला क्या पड़े थे पीछे में टू पाई आर और ये आधा सर्कल है इससे डिवाइडेड बाय टू तो ये कट गया तो इसका फार्मूला आ गया पाई इन टू आर फार्मूला नहीं है आपके कोर्स में भी बट याद रख लेना उसमें क्या है है ना अभी अगेन आर्क जो पढ़े थे ना वो होता है टू टाइप्स का माइनर एंड मेज़र अगर सर्कल में आपको बड़ा आर्क दिख रहा है तो मेज़र और छोटा है तो माइनर जैसे यहाँ पर यहाँ पर ये सेंटर है ये ए और बी अगर मैं बात करूँगी सिर्फ ये आर्क का ए बी का तो ये छोटा आर्क बना है ना तो माइनर आर्क और अगर मैं बात करूँगी पूरा यहाँ से लेकर ये ऊपर वाला आर्क का तो ये बड़ा आर्क है तो इसको हम लोग बोलेंगे मेज़र आर्क तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आर्क कैसे कैसे क्या होते हैं दैन एंगल सब्टेंडेड बाय एन आर्क एक आर्क कैसे एंगल बना रहा है किस किस के साथ या सेंटर से वो क्या एंगल बना रहा है हम लोग थोड़ा वो भी देख लेते हैं सो so, बच्चों यहाँ पर आप लोगों को एक सर्कल दिख रहा है मैं यहाँ पर एक सेंटर बना दी हूँ सेंटर का नाम ओ ही रहता है ठीक है और यहाँ पर दो तो पॉइंट बना दी पी क्यू और मैं पी क्यू आर्क का बात कर रही हूँ अभी ये जो पी क्यू आर्क है ये सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है तो एक काम करते हैं पी के साथ सेंटर को जोड़ देते हैं क्यू के साथ सेंटर को जोड़ देते हैं तो ये आर्क है ना ये आर्क सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये एंगल आर्क बनाया है सेंटर के साथ तो यहाँ पर वो एंगल का नाम हो जाएगा पी ओ क्यू तो पी ओ क्यू वो एंगल है विच इज़ अपडेड बाय द आर्क पी क्यू समझ में आया अभी सेंट्रल एंगल सेंट्रल एंगल क्या होता है देखो यहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा सेंट्रल एंगल क्या होता है एंगल सब्टेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बोलने का मतलब ये है सेंट्रल एंगल मतलब आर्क सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है इसी की जैसे जैसे कि यहाँ पर ये आर्क है पी क्यू एक हो गया क्यू आर और एक हो गया ये पी से लेकर आर्क मतलब यहाँ तीन टू तो आर्क का बात हो रहा है एक आर्क हो गया पी क्यू एक हो गया क्यू आर ये वाला आर्क और एक हो गया पी से लेकर आर मतलब ये पी क्यू आर ये पूरा बड़ा सा आर्क हो गया सेंटर के साथ ये लोग जो एंगल बना रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल एंगल तो ये वाला आर्क सबसे पहले पी क्यू ले लो देखो ये सेंटर के साथ कौन सा एंगल बना रहा है ये एंगल बना रहा है तो पी ओ क्यू वैसे ये क्यू आर सेंटर के साथ बना रहा है क्यू ओ आर और ये पी क्यू आर ये कौन सा एंगल बना रहा है सेंटर के साथ पी ओ आर तो एकदम क्लियर है ना ये सब तो सिंपल सिंपल चीज़ें बच्चों अभी सेकेंड एंड टेंजेंट सेकेंड एंड टेंजेंट का डिफरेंस क्या होता है अब सेकेंड एंड टेंजेंट लाइन्स होते हैं बच्चों ठीक है सेकेंड एंड टेंजेंट्स जो होते हैं ना वो लोग बच्चों लाइन होते हैं जैसे कि आपको सामने में दो स्ट्रेट लाइन दिख रहे हैं एक ऊपर बनाई हूँ एक नीचे बनाई हूँ अब यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन सर्कल को काटते हुए जा रहा है और सर्कल का तो अलग अलग पॉइंट में ये इंटरसेक्ट कर रहा है जैसे कि ये सर्कल है ये स्ट्रेट लाइन जब इसको क्रॉस किया तो ये एक तो सर्कल का यहाँ पर इंटरसेक्ट किया और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है ना ये लाइन दो जगह इंटरसेक्ट किया इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑफ द सर्कल इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंड ऑफ द सर्कल तो इसका मतलब है ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि जब सर्कल को इंटरसेक्ट करके जा रहा है तो वो दो अलग अलग पॉइंट में उसको इंटरसेक्ट करेगा तो वो लाइन को हम सेकेंड बोलेंगे और टेंजेंट जो होता है वो एक ऐसा लाइन होता है जो कि सर्कल को जब काट के जाता है तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करके जाता है तो आप लोग ये लाइन को देखो ये लाइन ए बी ये स्ट्रेट लाइन है सर्कल को टच करके निकला होगा या फिर सर्कल को टच कर रहा है तो सिर्फ एक ही पॉइंट में टच कर रहा है ए में तो इसको हम टेंजेंट बोलेंगे लेकिन सेकंड को देखो ये पूरा लाइन ये सर्कल का दो हिस्सा में टच करके जा रहा है तो इसको हम सेकेंड बोलेंगे क्लियर ओके देन बच्चों एक और चीज देखो जैसे यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल जैसे कि सर्कल है और सपोज ये सर्कल में टेंजेंट है अब तो इसको सेकेंड मत बोलना लाइन को ध्यान से देखोगे तो सर्कल का सिर्फ यही पॉइंट में ये लाइन टच करके जा रहा है तो ये है टेंजेंट अब आप लोग ये देखो ये सेंटर है और ये हो गया रेडियस तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा नाइन्टी डिग्री बनता है ठीक है ये हो गया टेंजेंट ये हो गया रेडियस तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री है नाइन्टी डिग्री है ठीक है अभी ये अभी है नहीं अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ मैं टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल बोलने का मतलब ऐसा है जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ पर मेरे पास सर्कल के बाहर में एक ठो पॉइंट है पी तो मैं इस पॉइंट से लाइन सर्कल की तरफ ऐसे लेके जा सकती हूँ मतलब एक टेंजेंट बन रहा है देखो यहाँ से ये एक टेंजेंट बना यही पॉइंट से मैं सर्कल का एक दूसरा जगह में टेंजेंट बना सकती हूँ ये देखो ये अच्छे से थोड़ा सा टच नहीं हुआ पर सपोज ये टेंजेंट है तो एक पॉइंट है जो कि सर्कल के बाहर था वहाँ से आप लोग सर्कल को टच करते हुए दो पॉइंट निकाल सकते हो बोलने का मतलब है कि टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन यहाँ पर कितने टेंजेंट्स को मैं ये पॉइंट से ड्रॉ की हूँ टू टेंजेंट्स को तो आप लोग इसको भी याद रखना क्लियर और एक चीज़ अगर मैं यहाँ पर एक बाहर में एक पॉइंट है वहाँ से अगर मैं दो टेंजेंट्स बना रही हूँ सर्कल की तरफ तो उनका लेंथ इक्वल रहता है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो लंबाई रहेगा उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा अगर मैं इसको ए और इस पॉइंट को बी दे दी तो ये पी ए का लंबाई जितना रहेगा ये पी बी का लंबाई भी सेम उतना ही रहेगा बच्चों ये होता है इसका एक्सप्लेनेशन आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो इसको बस अभी याद रखना ठीक है अभी अभी हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सेक्टर ऑफ अ सर्कल सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है देखो बच्चों अब यहाँ पर मेनली सेक्टर को हम लोग बोलते हैं जो रेडियस होते हैं ना अब आपको पता है सर्कल में कितने रेडियस होते हैं वो रेडियस और आर्क ये दिख रहे हैं ये रेडियस है और ये आर्क है ये लोगों के अंदर में जो हिस्सा आता है ना उसको हम सेक्टर बोलते हैं ठीक है जैसे कि ये रेडियस है ये दो रेडियस और आर्क मिल इतना हिस्सा को अपने अंदर ले लिए हैं तो मैं इस हिस्सा को सेक्टर बोलूंगी सेक्टर होते हैं दो टाइप के एक माइनर मतलब छोटा एक होता है बड़ा अब यहाँ पर आप लोग देखो ये दो रेडियस है ओ ए और ओ बी और ये ए बी एक आर्क है ये दो रेडियस और ये आर्क ए बी के अंदर में इतना जगह आया है तो छोटा सेक्टर है और वैसे अगर आप ये पोर्शन को देखोगे ये ओ ए रेडियस है ओ बी रेडियस है और ये बड़ा वाला आर्क है यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक है तो ये रेडियस और ये आर्क के अंदर में इतना जगह आया है तो इसको मैं बोलूंगी मेजर सेक्टर क्या बोलूंगी मेजर सेक्टर क्लियर अब सेगमेंट ऑफ अ सर्कल का बात करूंगी तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल का मतलब है ये ऐसा चीज़ होता है ये ऐसा जगह होता है रीजन होता है सर्कल में जो कि कॉर्ड और आर्क से बना रहता है सपोज़ यहाँ पर ये पी क्यू एक ठो कॉर्ड है और ये एक ठो आर्क हो गया ये वाला तो पी क्यू ये जो आर्क है और ये जो लाइन है ये जो कॉर्ड है ये अपने अंदर में जो एरिया को ये जो हिस्सा को तो जो रीज़न जो कवर्ड है इसके अंदर में उसको बोलेंगे हम सेगमेंट वैसे ये कॉर्ड है और ये बड़ा वाला आर्क है इसके अंदर में ये जो है ये भी हो गया सेगमेंट सेम ये भी माइनर एंड मेजर रहता है क्लियर अब बच्चों ये चीज़ को थोड़ा ध्यान देना क्योंकि मैं आप लोगों को जो अंदर में क्वेश्चंस करवाई हूँ ना या करवाऊँगी अभी आगे उसमें ये चीज़ बहुत काम आएगा अब सपोज यहाँ पर आपको सामने में एक सर्कल दिख रहा है मैं इसको बीस से डिवाइड कर दे रही हूँ डायमीटर बना दे रही हूँ तो मेरे पास दो सेमी सर्कल हो गया ये एक सेमी सर्कल हो गया और एक ये सेमी सर्कल हो गया मतलब मेरे पास यहाँ पर दो सेमी सर्कल हो गए अभी मैं काम कर रही हूँ ये पॉइंट पी ली हूं इसको आर ले ली हूं इसका नाम क्यू दे दी और यहाँ पर मैं एक एस दे दी और मैं इसको चारों तरफ से ऐसे जोड़ दी हूं तो बच्चों एक चीज देखो यहाँ पर सेमी सर्कल के अंदर में आपको एंगल्स देखने को मिलेंगे जैसे आप लोग ये सेमी सर्कल ले लो ये वाला यहाँ पर एंगल देखो अंदर में ये सेमी सर्कल में इसको छोड़ दो नीचे वाला को इग्नोर करो ये ऐसे लाइन जो बना है जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ये होता है नाइन्टी डिग्री ठीक है ये होता है नाइन्टी डिग्री ये जो लाइन्स हम देखते हैं ना यहाँ पर ये घिंचा हुआ है बच्चों ये नाइन्टी डिग्री बनता है सिमिलरली यहाँ पर भी नाइन्टी डिग्री है तो सेमी सर्कल के अंदर में भी एंगल्स बनते हैं तो यहाँ पर ये पी आर क्यू और ये पी एस आर ये दोनों नाइन्टी नाइन्टी डिग्री होते हैं अगर आपको आगे में क्वेश्चन में इस टाइप से सर्कल दिखेगा बीच में डायमीटर है और इस टाइप से अगर आपको एंगल कहीं पर दिखेगा तो याद रखना इधर साइड का जो एंगल होता है इधर साइड का जो एंगल होता है वो कितना होता है नाइन्टी डिग्री होता है अब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखो आप लोग पैथागोरस थ्योरम तो पढ़े होंगे है ना अब यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको एक सर्कल दिख रहा है वैसे ही सेम अभी जो आप लोग पढ़े हो बीच में डायमीटर है ए बी ये सेंटर है ऐसे करके जोड़ दिया है चलो ठीक है बोल रहा है फाइंड ए बी ए बी का है ये डायमीटर निकालने बोल रहा है एंड रेडियस ऑफ द सर्कल रेडियस भी निकालो और ए बी भी निकालो तो चलो कोई बात नहीं अगर आप लोग पैथोकॉरस थ्योरम पढ़े हो तो मैं आप लोगों को याद दिला दूँ पैथाकोरस थ्योरम अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल में अब ये जो लाइन जो खड़ा है ये होता है परपेंडिकुलर किस पे खड़ा है बेस पे खड़ा है और परपेंडिकुलर के सामने ये जो तिरछा सा स्लैंटिंग सा लाइन जा रहा है ना बच्चों ये होता है अपना हाइपोटेनियस ठीक है अभी फार्मूला होता है देखो बेसिकली ये हाइपोटेनियस जो होता है बहुत बड़ा होता है ठीक है तो उसका फार्मूला होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अभी यहाँ पर आप लोग बोलोगे मैं ये क्यों बता रही हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है अब यहाँ पर देखो बच्चों क्वेश्चन में कहीं पर एंगल वेंगल कुछ नहीं दिया है और आपको पता है ये नाइन्टी डिग्री होगा सेमी सर्कल इसको ले लो अंदर में ऐसे एंगल बना हुआ है तो ये नाइन्टी डिग्री होता है अभी थोड़ा देर पहले थोड़ा देर पहले क्या जस्ट आप लोग पढ़े हो पढ़े हो ना अच्छा ये दिया है ट्वेल्व और ये दिया है बच्चों सिक्सटीन तो आप लोग इसको थोड़ा तो सा तिरछा करके देख सकते हो अब मैं इसको तो अपने तरफ करती हूँ ऐसे तो देखो आप लोग सिर्फ इसमें फोकस करना ये सब क्या उल्टा सीधा दिख रहा है इसको मत फोकस करना ठीक है अब यहाँ पर ध्यान से देखो सपोज ये परपेंडिकुलर हो गया ये बेस हो गया हाइपोटेनियस क्या हो गया ए बी तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर समझ में आया ऐसे मोड़ माड़ के देख लेना आप लोग सो हियर इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर फिर आप लोगों को तो बोला है कि ए बी निकालो तो आराम से ये भी नहीं निकाल सकते हो आप लोग आराम से ये भी निकाल सकते हो सो तो ए सी कितना है ट्वेल्व का स्क्वायर और ये हो जाएगा सिक्सटीन का स्क्वायर सो तो ये कितना हो गया वन फोर्टी फोर ये हो गया टू फिफ्टी सिक्स कितना आएगा बच्चों प्लस करेंगे तो फोर हंड्रेड ए बी का स्क्वायर आया फोर हंड्रेड स्क्वायर को हम लोग इधर भेजते हैं तो रूट ओवर हो जाता है जो कि आंसर आ रहा है ए बी इज़ इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर क्लियर ए बी कितना हो गया ये पूरा हो गया ट्वेंटी तो बच्चों ये तो डायमीटर है हम लोगों को क्वेश्चन में बोल रहा है रेडियस भी निकालो अगर ये पूरा कितना है ट्वेंटी है तो रेडियस कितना होगा आप लोगों को पता है रेडियस डायमीटर का आधा होता है है ना सो ए बी इज़ इक्वल टू डायमीटर जो कि कितना आया है ट्वेंटी सेंटीमीटर हम लोगों को बोल रहा है रेडियस निकालने रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर का आधा रेडियस क्या होता है डायमीटर का पूरा आधा ये रेडियस है ये रेडियस है ठीक है तो ट्वेंटी बाय टू दैट इज टेन सेंटीमीटर समझ में आया कितना आया हमारा आंसर टेन सेंटीमीटर क्लियर वैसे ही अब ये डायग्राम देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा रहता है पता है ये चैप्टर जब सॉल्व करते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है पर क्या है ना आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हो जाएगा अभी इन द एड डायग्राम फिगर यहाँ पर देखो फाइंड ओ एम बोल रहा है ओ एम निकालो ठीक है निकाल लेते हैं बच्चों आप लोग आगे में जो जो टेंजेंट वेंजेंट के बारे में पढ़े थे जो भी चीज़ पढ़े थे ना वो चीज़ आपको क्वेश्चन में कहीं लिख के नहीं देगा आप लोगों को दिमाग लगाना है जैसे एक सर्कल है सेंटर दिया है ठीक है बच्चों ये लाइन देखो ये सेकेंड नहीं है टेंजेंट है सेकंड होता है जो कि सर्कल का दो पॉइंट को क्रॉस करके जाता है ये तो ठीक है से, लेके जाओगे तो रेडियस है. अच्छा, है, है हम लोगों को बोल रहा है ओ निकालो मतलब ये निकालो तो बच्चों आप लोग कहीं पर पढ़े थे मैं दिखाऊ यही पेज में पढ़े हो क्या यहां पढ़े हो कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है नाइनटी तो इस क्वेश्चन में आपको टेंजेंट दिख रहा है रेडियस दिख रहा है कितना एंगल होगा नाइन्टी अब तो कर लोगे अभी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हाइपोटेनियस वाला लगेगा इसमें पाइथागोरस थ्योरम, मैं इसको उल्टा करके दिखा रही हूँ ध्यान से देखो ये हो गया परपेंडिकुलर गया बेस ये हो गया हाइपोटेनियस तो हम लोगों को ये निकालना है ठीक है सो इन ट्राइंगल ओ एम एन ये परपेंडिकुलर हो गया ना तो बेस ओ एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर हम लोगों को क्या निकालना है ओ एम निकालना है तो ओ एम को अलग कर लो है ना ट्रांसपोजिशन मेथड करें जो आप लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली लीनियर इक्वेशन में पढ़े हो इसको यही रहने दी इसको यहाँ भेज दी इसके सामने प्लस था यहाँ आ गया तो माइनस हो गया अभी ओवेन कितना दिया है देखो डाइग्राम में देखो ओवन 17 का स्क्वायर और ये हो जाएगा एट का स्क्वायर तो बच्चों 17 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो आएगा टू एटी नाइन माइनस सिक्सटी फोर एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर ठीक है ओ एम का स्क्वायर बहुत बच्चे ना ओ एम ओ एम लिख देते हैं स्क्वायर लिखना भूल जाते हैं ना सब मिस्टेक हो जाता है अभी टू एटी नाइन से सिक्सटी फोर को माइनस कर दो ठीक है अगर आप लोग इसको माइनस करोगे तो आप लोग का आएगा टू ट्वेंटी फाइव अब आप लोग बताओ टू ट्वेंटी फ़ाइव किसका रूट ओवर होता है क्योंकि स्क्वायर यहाँ जाएगा तो रूट ओवर बन गया फिफ्टीन का होता है ना फिफ्टीन फिफ्टी या टू ट्वेंटी फाइव तो ओ एम हम लोग को मिल गया फिफ्टीन सेंटीमीटर लगा देना क्योंकि हर जगह यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा हुआ था ना तो ओ हम लोग को कितना मिल गया फिफ्टीन सेंटीमीटर ऐसे ही बच्चों सिंपल सिंपल है नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्या है देखें क्या क्वेश्चन दी हूँ मैं आप लोगों को भी अच्छा लगेगा करने में देखो हाँ ये तो बहुत सिंपल है अभी बस ये फिगर दिया है बोल रहा है इन द फिगर ये फिगर में ओ ए इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट फाइव ओ ए कहाँ है ये ओ है पक्का ये सेंटर को बोलते हैं ओ ए है सिक्स पॉइंट फाइव मतलब ये हो गया सिक्स पॉइंट फाइव ए सी दिया है फाइव सेंटीमीटर ये ये ए सी बोल रहे बी सी निकालो ये निकालो अच्छा एक और चीज़ बच्चों ये आपको पता है एक सेमी सर्कल है ये रेडियस है ये भी रेडियस है मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक देखो हर जगह का रेडियस सेम होता है अगर सेंटर से ये कोना सिक्स पॉइंट फाइव है तो सेंटर से ये कोना भी सिक्स पॉइंट फाइव होगा तो ये सिक्स पॉइंट फाइव तो ये भी सिक्स पॉइंट फाइव और टोटल कितना हो जाएगा थर्टीन हो जाएगा कि नहीं थर्टीन सेंटीमीटर तो ए बी हो गया थर्टीन सेंटीमीटर पूरा ए बी थर्टीन दिया है ए सी फाइव दिया है हम लोग को बी सी निकालने बोल रहा है अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दो कहाँ पढ़े थे कहाँ पढ़े थे यस yes. ये वाला चीज़ याद करो ये जो आप लोग पढ़े हो अगर आप लोग सेमी सर्कल का बात करोगे उसके अंदर में अगर ऐसे ट्राइंगल है तो ये होता है नाइन्टी डिग्री ये भी सेमी सर्कल है उसके अंदर में ऐसे ट्राइंगल दिया है तो ये कितना हो गया नाइन्टी डिग्री अब निकाल लोगे ना बी अब इजी रहेगा आप लोगों के लिए तो इसका आंसर बच्चों आप लोग खुद से निकालना उसके लिए आपने एक काम करना इसको ऐसे करके मोड़ के देखना ठीक है जैसे कि मुझे ये परपेंडिकुलर दिख रहा है अब परपेंडिकुलर और बेस में ना किसी को परपेंडिकुलर लगेगा किसी को बेस लगेगा कोई बच्चा अगर इसको ऐसे देखेगा ऐसे तो अब ये परपेंडिकुलर लग रहा है ये बेस लग रहा है तो वो कोई टेंशन नहीं है हाइपोटेनियस में कन्फ्यूज़ मत हो जाना तो यहाँ से आपको ये निकालना है बी सी निकालना है तो आप लोग निकाल लोगे ना आराम से निकाल लोगे ठीक है ऐसा क्वेश्चन में दो ठो करवा चुकी हूँ इसीलिए मैं आपको दे रही हूँ ओके okay, बच्चों देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है इन दी एडज्वाइनिंग फिगर फाइंड एंगल ए बी एक्स साइड में फिगर दे दिया है बोल रहा है एंगल ए बी एक्स निकालो और साथ साथ में बी एक्स दे दिया एट सेंटीमीटर ए एक्स दे दिया सिक्स सेंटीमीटर फाइंड रेडियस तो ये फिगर आपको छोटा दिखता होगा मैं पर थोड़ा बड़ा बना देती हूँ इसको मैं ठीक है ये हो गया आपका डायमीटर ए बी और ये ऐसे हो गया इस टाइप से दिया है ठीक है ये एक्स दे दिया है समझ में आया मैं इधर आप लोगों को जो दिख रहा है ना ये डेफिनेटली यहाँ पर 90 डिग्री आप लोग पढ़े होना सेमी सर्कल होता है एक सर्कल के अंदर में उसका प्रॉपर्टी पढ़े होना वो इस टाइप से अगर ट्राइंगल बना रहा है तो 90 डिग्री ये रहता है समझ में आया ये दे दिया है बच्चों 45 डिग्री हम लोग को बोल रहा है एंगल ए बी एक्स निकालो तो हम लोग नहीं निकाल सकते ए बी एक्स ये ट्राइंगल में ये 90 हो गया ये 45 हो गया तो ये नहीं निकल जाएगा एंगल ए बी एक्स ए बी एक्स देखो बच्चों पहले ए बी एक्स देख लो ये लिखा हुआ है बीच में लिखा है बी मतलब हम लोग को ये एंगल निकालना है तो आप लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो एक मिनट ओके तो आप लोग लिख सकते हो इन ट्राइंगल ए बी एक्स चाहोगे तो डायरेक्टली लिख देना 40 प्लस 45 प्लस एंगल ए बी एक्स इज इक्वल टू वन डिग्री ये तो आपको पता है एंगल ए बी एक्स कितना निकलेगा 180 एट्टी माइनस इनको माइनस करोगे मतलब इन दोनों को प्लस करोगे आएगा 135 135 को ले जाना उधर माइनस वन ठीक है दैट मीन्स आया ये 45 डिग्री क्लियर एक और चीज कर सकते हो जैसे कि आप लोग चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो कि इन ट्राइंगल ए बी एक्स सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री उसके बाद आप लोग ऐसे मेंशन कर देना ये भी सही रहेगा ठीक है अब देखते हैं एक्स्ट्रा क्या दिया है इफ बी एक्स इज इक्वल टू एट सेंटीमीटर अच्छा बी एक्स मतलब ये ये एट दिया है ए एक्स दिया है सिक्स सेंटीमीटर क्या मांगा है रेडियस मांगा है तो रेडियस मतलब ये आधा लेकिन ऐसे आधा तो निकलेगा नहीं तो हम लोगों को ये ए बी पूरा निकालना पड़ेगा ए बी निकाल लेंगे तो उसका आधा कर देंगे तो हम लोगों का रेडियस मिल जाएगा तो इसको थोड़ा तिरछा बिरछा करके देख लो अगर ये परपेंडिकुलर है ये बेस है क्योंकि ये नाइन्टी डिग्री बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया ये बेस हो गया इसके सामने में ये सामने का तिरछा एंगल है दैट मीन्स मतलब साइड है दैट मीन्स ये हाइपो हो गया तो बच्चों हम लोग पैथकॉरस थ्योरम अप्लाई करेंगे सो इन ट्राइंगल ए बी एक्स अगेन पैथागोरस थियोरम so, ये हाइपो है सो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर ये चीज़ आपको आता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ हम लोगों को तो ए बी पहले निकालना है फिर जाके रेडियस होगा इसके जगह में लिख दो एट का स्क्वायर इसकी जगह में लिख दो सिक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा सिक्सटी फोर ये हो जाएगा थर्टी सिक्स ये हो गया हंड्रेड बट हम लोग को ए बी निकालना है तो ए बी के ऊपर में स्क्वायर था स्क्वायर को एक टू किधर भेजते हैं तो रूट ओवर हो जाता है ठीक है आंसर आएगा ए बी टेन सेंटीमीटर पर ये हमारा आंसर नहीं है बच्चों ये तो हम लोग का ए बी निकला हम लोग को चाहिए रेडियस ए बी ये डायमीटर है हम लोग को चाहिए रेडियस सो रेडियस निकालने बोल रहे हैं सो रेडियस इज इक्वल टू ए बी का आधा सो टेन बाय टू दैट मीन्स कितना निकलेगा फाइव सेंटीमीटर तो हम लोग का एक ये वाला आंसर हो गया और एक ये हम लोग एंगल निकाल रहे थे हम लोग का ये आंसर हो गया क्लियर नेक्स्ट अच्छा अभी ये टाइप का क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों बहुत ज़्यादा सिंपल है आप लोग आराम से कर लोगे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालना है तो आप लोगों को तीन बिट दिख रहा है यहाँ पर सबसे पहले इसको देखते हैं जैसे ये नंबर वन में अगेन देखो सेमी सर्कल है आप लोग आधा सर्कल को लो ये तो दिया है फुल सर्कल है बट हम लोग को आधा सर्कल कंसिडर करना है क्यूं? क्यों क्योंकि उसी के अंदर में यहाँ पर ट्राइंगल है एक एक्स दिया है ये फिफ्टी फाइव दिया है तो प्रॉपर्टी में पढ़े थे ये कितना डिग्री होता है नाइन्टी डिग्री तो बस हो जाएगा सॉल्व आराम से सो so, यहाँ पर बच्चों ये हो गया नाइन्टी डिग्री नाइन्टी तो निकाल लोगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए कितना दिया है पहले ऐसे लिख दो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू वन डिग्री ऐसे लिख देना बस एंगल ए की जगह में एक्स एंगल बी की जगह में इतना एंगल सी नाइन्टी डिग्री अब तो आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे x निकल जाएगा 180 एट्टी माइनस ये दोनों प्लस होकर वन फोर्टी फाइव आएगा वन फोर्टी फाइव को एक बस टू के इधर लेके जाओगे तो माइनस वन फोर्टी फाइव तो इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आएगा थर्टी फाइव डिग्री सिंपल यहाँ पर आप लोगों को प्लस माइनस ही करना है ठीक है अभी सेकेंड बीट सेकेंड बीट का डायग्राम देख लो यहाँ पर अभी इस इस तरफ सेमी सर्कल ले लो सेम इसी टाइप से क्वेश्चन दिया है अंदर का ट्राइंगल में एक एक्स है थर्टी दिया है तो ये तो डेफिनेटली नाइन्टी होगा प्रॉपर्टी होता है सेमी सर्कल का इसको भी नाम दे देना अपने मन से नाम दे देना मैं इसको दे देती हूँ पी क्यू आर ठीक है पी क्यू आर सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर यहाँ भी हम लोग को पता है एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए तो so, एंगल P हम लोगों को 90 डिग्री दिख रहा है प्रॉपर्टी है वो प्लस Q के जगह में X और ये दिया है 30 तो बच्चों एक्स निकल नहीं जाएगा आप लोगों का वन एट्टी माइनस वन ट्वेंटी ये तो सामने सामने दिख रहा है सिक्सटी डिग्री आएगा सिंपल है ज़्यादा कुछ नहीं है अब थर्ड बीट देखो थर्ड बीट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्या है देखो अभी अगेन यहाँ पर ये वाला सेमी सर्कल को लो बच्चों एक चीज ध्यान दो यहाँ भी एक्स दिया है ये भी एक्स दिया है और ये सेमी सर्कल के अंदर का ये कोना वाला होता है कितना नाइन्टी चाहोगे तो नाम दे देना क्यू आर एस सो इन ट्राइंगल क्यू आर एस तीनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा ठीक है so, सो ये हम लोग का x आर एक्स और ये हो गया 90 सो so, 90 इज इक्वल टू नाइन्टी नहीं X प्लस एक्स टू एक्स वन एटी माइनस नाइन्टी सो टू एक्स इज़ इक्वल टू नाइन्टी एक्स हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री अभी बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में इन द फिगर ए बी द डायमीटर ए बी दे दिया है अपना डायमीटर एंगल बी एक्स इज थर्टी डिग्री एंगल बी एक्स दे दिया है बच्चों थर्टी डिग्री कितना दे दिया है थर्टी डिग्री दे दिया है और ए बी वाई दे दिया है थर्टी फाइव डिग्री यहाँ पर एंगल बी एक्स मतलब ये थर्टी डिग्री और ए बी वाई मतलब ये हो गया थर्टी फाइव डिग्री जितना हो गया एक्स ए वाई एंड एक्स बी वाई एक्स ए वाई मतलब हम लोग को ये पूरा ये पूरा निकालना है और ये पूरा एक्स बी वाई मतलब ये पूरा एंगल निकालना है तो ये पूरा के लिए इतना तो पहले पता होना चाहिए है कि नहीं पहले वो चीज़ पता होना चाहिए तो बच्चों हम लोग आराम से निकाल लेंगे कैसे पहले ऊपर का ट्राइंगल लेते हैं अब ये तो पता है इस सेमी सर्कल के अंदर में एक ट्राइंगल आ रहा है तो ये तो नाइन्टी हो जाएगा इसको नाइन्टी लिख देते हैं ठीक है थोड़ा सा जगह कम नहीं पड़ जाए इसमें चलो यहाँ से करते हैं डायग्राम ज्यादा ही बड़ा हो गया क्या इन ट्राइंगल ए बी एक्स इन ट्राइंगल ए बी एक्स ये पहला ऊपर वाला ट्राइंगल में एंगल ए अब एंगल ए को पूरा एंगल ए नहीं लिख सकती हूं मैं क्योंकि ए तो यहां पर भी है ये ट्राइंगल का भी है तो एक्स ए बी प्लस एंगल ए एक्स बी प्लस एंगल एक्स बी ए इज़ इक्वल टू वन एट्टी डिग्री तीनों एंगल को मिलाएंगे तो वन एट्टी डिग्री आना चाहिए एक्स ए बी एक्स ए बी मतलब ये ए एक्स बी ए एक्स बी मतलब ये और एक्स बी ए मतलब ये वाला तो ये है बच्चों थर्टी डिग्री ये है नाइन्टी और हम लोगों को एक्स बी ए यहाँ से आराम से मिल जाएगा तो एक्स बी ए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा वन एट्टी इन दोनों को प्लस करेंगे वन ट्वेंटी इधर आएगा माइनस वन ट्वेंटी दैट मीन सिक्सटी आया ये कितना आया सिक्सटी हो गया ठीक है अगर ये सिक्सटी हो गया तो आप लोगों को पता चल गया ना एक्स बी वाई कितना होगा एंगल एक्स बी वाई मतलब ये पूरा एंगल का नाम लिख रही हूं मैं मांगा है क्वेश्चन में एंगल एक्स बी वाई बताओ ये कितना होगा तो दोनों को प्लस कर देंगे तो पता चल जाएगा ये है एक्स बी ए प्लस वाई बी ए मतलब एक्स बी ए मतलब सिक्सटी और वाई बी ए मतलब थर्टी फाइव तो सिक्सटी प्लस थर्टी फाइव कितना होता है सिक्सटी प्लस थर्टी फाइव नाइन्टी फाइव डिग्री चलो ये तो नाइन्टी फाइव डिग्री हम लोगों को मिल गया एंगल एक्स बी वाई तो इस साइड का तो हम लोगों को मिल गया वैसे ही हम लोगों को ये एंगल मांगा है तो ये भी आराम से निकाल लेंगे ये नाइन्टी कर लो ये थर्टी फाइव नाइन्टी तो ये कितना होगा आराम से निकल जाएगा ऐसे कर लेती हूँ ठीक है इन ट्राइंगल ए बी वाई यहाँ भी नाम मैंशन कर लो एंगल वाई ए बी प्लस एंगल ए वाई बी प्लस एंगल ए बी वाई तीनों को प्लस करेंगे तो 180 आना चाहिए वाई ए बी हम लोग को पता नहीं है कितना है मतलब हम लोग को ये नहीं पता कितना है ये पता है 90 और ये पता है 35 तो एंगल वाई ए बी इज इक्वल टू वन माइनस कितना इन दोनों को करेंगे प्लस तो कितना आएगा 125 अब माइनस कर लो 55 तो बच्चों ये आ गया 55 ये अब हम लोगों को बोला है ये पूरा बताओ तो दोनों को प्लस कर लो एंगल एक्स ए वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स ए बी है कि नहीं एंगल एक्स ए बी प्लस एंगल वाई ए बी तो चलो करते चलो प्लस थर्टी प्लस फिफ्टी फाइव एटी फाइव लग रहा है हो गया देखो ये भी आ गया ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था अब आया बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो बच्चों यहाँ पर बोला है द टेंजेंट टू अ सर्कल एट द पॉइंट पी फ्रॉम ए इज ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब एक सर्कल है वो सर्कल का टेंजेंट के बारे में बात कर रहा है द टेंजेंट टू अ सर्कल एट द पॉइंट पी फ्रॉम ए मतलब ए पॉइंट कहीं बाहर है और पी पॉइंट कहीं सर्कल में है ठीक है तो वो टेंजेंट का वो बाहर वाला पॉइंट से डिस्टेंस दिया है ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर ओ सेंटर बोल दिया है और ओ ए दे दिया है ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर तो बोल रहा है डायमीटर निकालो तो ये हम लोग ना पीछे कर लेते हैं ठीक है पीछे कर लेते हैं सबसे पहले तो हम लोगों को सर्कल बनाना है तो यहाँ रफ में साइड में बना लेती हूँ मैं सपोज़ ये सर्कल बन गया ये सेंटर हो गया ओ तो क्योंकि ओ बोला है ठीक है अच्छा ये सपोज ऐसे पॉइंट हो गया यहाँ पर और यहाँ पर सपोज वो ए पॉइंट हो गया तो बोल रहा है द टेंजेंट मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ द टेंजेंट टू अ सर्कल एट द पॉइंट पी फ्रॉम ए ए से पी में जो टेंजेंट ऐसे जा रहा है उसका डिस्टेंस दे दिया है बच्चों ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर फिर ये भी बोल दिया है कि ओए के बीच का जो डिस्टेंस है वो है ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर बोल रहा है डायमीटर निकालो तो बच्चों डायमीटर निकालने से पहले इसे रेडियस तो निकालना पड़ेगा ना सेंटर से रेडियस निकाल लोगे डबल कर देना हो जाएगा डायमीटर और ये होता है नाइन्टी डिग्री आप लोगों को पता है रेडियस और टेंजेंट हमेशा नाइन्टी डिग्री बनाता है तो इसको नाइन्टी डिग्री लेंगे तो सपोज़ बच्चों ये परपेंडिकुलर हो गया ये बेस हो गया और ये अपना हाइपो हो गया तो आप लोग आराम से इसको निकाल सकते हो ट्राइंगल ओ ए पी यहां पर ये हाइपो है सबसे बड़ा छब्बीस सो so, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर ठीक है तो हम लोगों को क्या निकालना है ओ ए ओ ए कितना दिया है ट्वेंटी सिक्स का स्क्वायर ये दिया है ट्वेंटी फोर का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर तो ओ पी का हम लोग को निकालना पड़ेगा ट्वेंटी सिक्स का स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर का स्क्वायर पता नहीं ये कुछ अलग सा टेन ट्वेंटी कुछ आना चाहिए तो बच्चों ट्वेंटी सिक्स का स्क्वायर होता है सिक्स सेवेंटी सिक्स ट्वेंटी फोर का स्क्वायर होता है फाइव सेवेंटी सिक्स दोनों को माइनस करेंगे आएगा हंड्रेड ठीक है और ओ निकालना है तो आपको पता है स्क्वायर रूट स्क्वायर इधर जाएगा एक वस्तु के तो स्क्वायर रूट हो तो जाएगा तो ओ आया टेन सेंटीमीटर ओ आया टेन हम लोग को बोल रहा है डायमीटर निकालो तो उसका डबल कर देंगे है कि नहीं डायमीटर निकालने बोल रहा है मतलब ट्वाइस ऑफ ओ पी डबल दैट मींस टू इंटू टेन ट्वेंटी सेंटीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है खूब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप खुद से करोगे फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस इलेवन सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस सिक्सटी वन सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर बच्चों क्वेश्चन को खुद से समझने का कोशिश करना और इसको खुद से सॉल्व करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आराम से कर लोग ऐसा नहीं है कि एकदम टफ सा क्वेश्चन दे दी हूँ बिल्कुल टफ नहीं है ठीक है अभी अ सर्कल हैज़ इट्स सेंटर अभी देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना बोल रहा है एक सर्कल है बस एक मिनट रुको बच्चों बस एक मिनट रुको हाँ यहाँ पर बोल रहा है अ सर्कल हैज़ इट्स सेंटर एट ओ एक सर्कल है बना देते हैं थोड़ा बड़ा बना दे रही हूँ वीडियो में छोटा दिखता होगा ना एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ रेडियस दिया है फोर सेंटीमीटर चलो बना देते हैं रेडियस अब हम लोग को मतलब बोला है यहाँ पर कि एक सर्कल जो है उसका रेडियस है फोर सेंटीमीटर दो रेडियस यहाँ पर है एक ओ ए और एक ओ बी तो सपोज इसको हम लोग ओ ए नाम दे देते हैं और अब आपको पता है ये ओ बी हो गया या कैसे भी आप इधर भी बना सकते हो रेडियस तो सेम होता है तो ये भी फोर है ये भी तो रेडियस है ना सेंटर से कोई भी कोना में जाओ ठीक है इतना हो गया तो दो रेडियस हो गया बोल रहा है यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर एंगल ए ओ बी इज सिक्सटी डिग्री मतलब एक ट्रैंगल पक्का बन रहा है ए ओ बी तो बच्चों इसको जोड़ना पड़ेगा तभी तो आप लोग ट्रैंगल से इसको ए ओ बी करके आप लोग जोड़ सकते हो बोल रहा है एंगल ए ओ बी सिक्सटी है एंगल ए ओ बी मतलब ओ बीच में है सिक्सटी ध्यान से देखो ए ओ बी तो ए बी तो दिख रहा है बीच में ओ है मतलब ओ का बात कर रहा है तो वो सिक्सटी दिया है तो बोल रहा है लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी ए बी निकालो हम लोगों को बोल रहा है ए बी निकालो तो बच्चों हम लोग ए बी यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं कैसे ध्यान दो अभी आप लोग एक चीज़ माइंड करना आप लोग पढ़े होगे यहाँ पर ये दिया है सिक्सटी चलो ये तो दे दिया ऐसा चल स्ट्रेंगल आपको याद है जिसका दो साइड सेम होता है अगर दो साइड सेम अभी आप लोग ना मैं इसको ऐसे कर देती हूँ एसोसेल एस ट्रैंगल आपको दिखेगा दिख रहा है तो ये एक ट्राएंगल है जिसका दो साइड सेम है तो एसोसेल एस ट्रैंगल में जो दो साइड सेम होता है ना तो सेम साइड के सामने वाले एंगल्स ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं ये दो साइड सेम है तो इसके सामने का एंगल जितना होगा इसके सामने का एंगल भी सेम होगा सबसे पहले तो ये दोनों एंगल निकाल लो दोनों सेम होना चाहिए वो होगा ही होगा लेट एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एक्स उसको एक्स ले लो दोनों को एक्स ले लो तो सिक्सटी प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वन एट्टी होना चाहिए सिक्सटी प्लस एक्स प्लस एक्स कितना होना चाहिए वन एट्टी टू एक्स कितना आएगा वन ट्वेंटी एक्स आ गया सिक्सटी डिग्री मतलब बच्चों दोनों सिक्सटी हमने दोनों को एक्स लिए हैं तो ये भी सिक्सटी आ रहा है और ये भी सिक्सटी आ रहा है तो ये तोिलेटरल एकुटर, ट्रेंगल हो गया जिसका सब साइड सेम होता है है कि नहीं और चाहोगे आप लोग यहाँ पर तो रीजन लिख सकते हो एंगल ए ओ बी जो आप लोग एक्स एक्स लिए हो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल आर सेम तो आप लोग इस टाइप से मेंशन कर सकते हो ठीक है तो ये सिक्सटी सिक्सटी हो गया अब आप लोग पढ़े हो कि किक्विलेट्रल ट्राएंगल में ही सब एंगल सेम होता है तो ये इक्विलेट्रल ट्रा एंगल हो गया और बच्चों एक और चीज़ पढ़े हो किक्विलेट्रल ट्रा एंगल का हर साइड भी सेम होता है क्योंकि अगर इसका सब एंगल सेम आया सिक्सटी 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 इक्विलेट्रल का सब सिक्सटी होता है तो इसका हर साइड भी फोर 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 होना चाहिए तो अगर ये फोर है ये फोर है तो बी ए कितना होगा वो भी फोर होगा तो उसको यहाँ पर थोड़ा मैंशन कर देते हैं ट्राइंगल ए बी इज एन equilateral, equilateral इक्विटेरियल मत लिख देना जोग्राफी मत बना देना equilateral triangle, hence its ऑल साइड्स शुड बी शुड बी इक्वल सो ए बी जो है कॉड वो हो जाएगा फोर सेंटीमीटर समझ में आया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों तो आपका पार्ट वन यही खत्म करते हैं पार्ट टू हम लोग बाद में करेंगे ठीक है पार्ट टू में दूसरा दूसरा क्वेश्चन है साइज़ वाइज निकालना है अननोन एंगल्स का वही डायग्राम दिया रहेगा और देख लेना आप लोग जब मैं बताऊंगी सो so, बच्चों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो आप लोग जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो उनको बताओ मैथ्स मास्टर के बारे में मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों से बात किया मतलब जो ये कोर्स परचेज किए हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे बोले कि मैम हम लोग अपने फ्रेंड्स को बताए हैं और हम लोग मिल करते हैं सॉल्व तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं जो बोल रही हूँ आप लोग मेरी बात को सुन रहे हो और उस चक्कर में ना आप लोगों का बच्चों मैथ्स भी स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि मैं पूछी थी बीच में बच्चे लोग खुद मुझसे कॉन्टैक्ट किए तो वो लोग बोले कि मैम हम लोग अपने फ्रेंड्स को भी बोले वो लोग भी कोर्स परचेज किए हैं मतलब उनके क्लासमेट्स एंड हम लोग मिल के क्वेश्चन करते हैं ना तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है हम लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं और उनको कोई दिक्कत भी नहीं होता है तो बच्चों आप लोग भी ये काम कर सकते हो आप लोग भी अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैथ्स मास्टरी के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो अपने क्लासमेट्स को बता सकते हो ताकि आप लोगों का भी मैथ्स और जल्दी स्ट्रांग हो जाए और आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो ठीक है आगे चलकर ओके तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो देखते हैं सी यू इन द सेकेंड पार्ट